आह, इससे ज्यादा जादुई कुछ नहीं कि हम धुंधले आकाश में सूरज को डूबते हुए देखें। लेकिन सूरज जाता कहाँ है? निकलते या डूबते हुए सूरज कहीं भी आता जाता नहीं है, बल्कि हमारी जगह बदल जाती है प्यारी किटी। लेकिन मैं तो एक ही जगह खड़ी हूँ। हाँ छोटी किटी, हमें ऐसा ही लगता है, पर हमें महसूस नहीं होता। लेकिन हमारा प्लैनेट लगातार अपने एक्सिस पर घूम रहा है और चक्कर लगा रहा है। हेलो दोस्तों, तो आज के एपिसोड में हम अपने प्यारे सूरज के छिपने की जगह की मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे, धरती की घूमने और चक्कर लगाने वाली मूवमेंट्स के बारे में जानकर। ज़ूम इन। तो धरती की रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होती हैं? ये देखो, ये है हमारे प्लैनेट अर्थ की सुंदर सी तस्वीर। अब मान लो कि एक लाइन इसके बीच में से होकर गुजर रही है। इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं एक्सिस, और हमारा ग्रह इस इनविजिबल लाइन पर घूमता है बिल्कुल लट्टू की तरह। और किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने एक्सिस पर घूमने की ऐसी मूवमेंट कहलाती है उसकी रोटेशन। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और अपने ग्रह पृथ्वी की गोल गोल घूमने की इसी खासियत की वजह से हमें मिलते हैं दिन और रात। और ये होता कैसे है? क्योंकि हमारे ग्रह के अलग अलग हिस्से सूरज के सामने होते हैं या पीछे की तरफ होते हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप उस तरफ होते हो जहां से सूरज को देख सकते हो और उसकी रोशनी और गर्मी तुम तक पहुंच सकती है, तब वहां दिन होता है। और जब पृथ्वी घूमते हुए तुम्हें उस तरफ ले जाती है जहां सूरज नजर नहीं आता, जहां उसकी रोशनी और गर्मी नहीं पहुंच सकती, तब रात होती है। और दोस्तों, पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं एक पूरा चक्कर लगाकर एक दिन बनाने के लिए। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि अगर पृथ्वी की रोटेशन से एक दिन बनता है तो फिर साल कैसे बनता होगा। तो दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वो है रेवोल्यूशन। मैं समझाता हूं। ये देखो, हालांकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है, लेकिन साथ ही साथ पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाती है, जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और सूरज के इर्द गिर्द लगाया गया एक पूरा चक्कर कहलाता है एक रेवोल्यूशन। और दोस्तों, पृथ्वी को लगते हैं 365 दिन, या ठीक ठीक कहें तो 365.242 दिन एक परिक्रमा पूरी करने में, और इससे बनता है एक पूरा साल। लेकिन दोस्तों, आप रोटेशन और रेवोल्यूशन जैसे मिलते जुलते शब्दों से कंफ्यूज मत हो जाना। एस्ट्रोनॉमी में रोटेशन का मतलब होता है अपने एक्सिस पर लगातार घूमते रहना, जिससे पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं, जबकि रेवोल्यूशन तब इस्तेमाल होता है जब एक चीज दूसरी का चक्कर लगाती है, जिससे एक साल बनता है, जहां तक हमारे ग्रह पृथ्वी की बात है। लेकिन एक मजेदार बात है, और वो इसके एक्सिस को लेकर है। हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि इसका एक्सिस असलियत में थोड़ा सा तिरछा है। हाँ, बहुत पहले जब मार्स के जितना बड़ा एक ऑब्जेक्ट नए नए बने पृथ्वी ग्रह से टकराया था, तो उसने हमारे प्लैनेट को हिलाकर उसे एक एंगल पर झुका दिया, और इस जरा से झुकाव की वजह से पृथ्वी का एक हिस्सा सूरज की तरफ झुक गया, जबकि दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ झुक गया। और इस तरह से झुक जाना बहुत ही खास है मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, इस एंगल की वजह से हमारे ग्रह के अलग अलग हिस्सों पर पहुंचाने वाली सोलर एनर्जी एक जैसी नहीं रहती, बल्कि पूरा साल बदलती है। जैसे कि एक खास समय पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका हुआ होता है, जबकि सदर्न दूसरी तरफ झुका होता है, और किसी दूसरे समय सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का झुकाव दूर होता है। और इसीलिए हमें अलग अलग मौसम मिलते हैं, और इसीलिए नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स में मौसम एक दूसरे के उलट होते हैं।
हाँ, पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है वहाँ गर्मी होती है और दिन लंबे होते हैं, और जो हिस्सा दूसरी तरफ होता है वहाँ ठंडा मौसम होता है और दिन छोटे। तो आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी की रोटेशन और रेवोल्यूशन में आखिर क्या फर्क होता है, और ये भी कि ये क्यों जरूरी है तुम्हारी दुनिया को चलाते रहने के लिए। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है पृथ्वी के एक्सिस से बनने वाला एंगल, जो एक इमेजिनरी लाइन है, वो ऑर्बिटल प्लेन से 66 डिग्री है। ये भी माना जाता है कि इंसानों ने पृथ्वी के रोटेशन के समय में कुछ माइक्रोसेकेंड्स का बदलाव ला दिया है, वो भी बड़े बड़े जलाशय बनाकर जिनमें खरबों टन पानी इकट्ठा हो जाता है। उम्मीद है आज के एपिसोड में आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं डॉक्टर बायनॉक्स, जूमिंग आउट। कोई बात नहीं।